नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। यूपी के बुलंदशहर में सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक योगेश ने आज वार्ड पास से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत दर्ज कराई है। जमानत पर जेल से बाहर योगेश राज वार्ड पास से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में था। योगेश राज ने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी निर्दोष चौधरी को 2150 वोटों से हराया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में गौकशी के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंसा में सियाना कोतवाली के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की न सिर्फ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बल्कि हिंसा में शामिल एक स्थानीय युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा के बलवाइयों ने चिंगरावटी पुलिस चौकी और वहां खड़े दर्जनों वाहनों को फूंक दिया था। इस मामले में 28 नामजद और 50-60 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने जेल भेज दिया। फिलहाल योगेश राज जेल से जमानत पर बाहर चल रहा है। योगेश राज ने कहा कि आम आदमी की जरूरतों को बिना राजनीति में आए पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अब सियासत की पहली सीढ़ी जिला पंचायत का चुनाव जीतकर चढ़ी है। बता दें, ये सियाना हिंसा के भड़काने का आरोपी है, न कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का आरोपी। हिंसा में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की जान चली गई थी। दोनों परिवारों को लेकर उनकी संवेदनाएं हैं। जी, आप वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीते हैं, तो राजनीति माने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम किया है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर राजनीतिक दायित्व के नहीं हो सकती हैं। आप उसमें किसानों की समस्याएं ले सकते हैं, विधवाएं पेंशन है, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल है, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो बगैर राजनीतिक दायित्व के पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा मन सामाजिक संगठन के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आने का बना है और मैं वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और 2150 वोटों से जीत कर मैं चुनाव जीता हूं। जैसा कि आप पर आरोप है कि क्या नाम है, आप सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी बताए गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सियाना हिंसा की जहां तक आप बात करते हैं, दो व्यक्तियों की उसमें शरीर पूरा हुआ है। दोनों परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बात है हिंसा की बात, मैं उसमें केवल हिंसा भड़काने का आरोपी हूँ, ना कि हत्या का आरोपी हूँ। तो राजनीति का जो पूरा उद्देश्य है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक जीवन में भी मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है और समाज के सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने उसको पार किया है। भविष्य में भी मैं आने वाले चुनावों में अपना दम जो है दमदारी के साथ रखूंगा, चुनाव मजबूती के साथ लड़ूंगा और ईश्वर और जो समाज जो चाहेगा वह तय होगा। इसी आधार पर मैं समाज के आधार पर इस राजनीतिक कैरियर में निकला हूं, जहां तक सफलता मिलेगी। जिला पंचायत के बाद में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे आगे? अभी जिला पंचायत चुनाव पूर्ण हुआ है, मैं विजयी हुआ हूं 2150 वोटों से। आने वाला चुनाव विधानसभा का है। जैसा समाज रूपरेखा तय करेगा, जैसे समाज के लोग योजना तय करेंगे, उसी अनुसार कार्य होगा। अब और कौन से संगठन से काम करते हैं? मैं इस समय अभी एक वर्ष पूर्व बजरंग दल के जिला संयोजक से मुक्त हुआ हूँ। संगठन ने मुझे एक वर्ष पूर्व पहले ही मुक्त कर दिया था। इस समय मैं किसी भी संगठन में नहीं हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए टाइम 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।